तो गैस आज का फोटो एडिटिंग सबसे अलग होने वाला है, क्योंकि गैस आज मैं आपको फेस को गोरा बनाने के साथ साथ फेस को स्मूथ भी बनाना सिखाऊंगा, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और गैस ये बिल्कुल न्यू ट्रिक होने वाला है। अगर आपको ये न्यू ट्रिक को सीखना है तो वीडियो को लास्ट तो गैस करना है, एंड गैस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चले गैस बिना देखे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गैस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो फोटो को यहाँ पर गैली से सर करके ऑटोडेस्क ऐप पर इनपुट कर लेना है। तो गैस यहाँ पर मैं सर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऑटोडेस्क ऐप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपल आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर इनपुट हो जाएगा। तो गैस इनपुट होने के बाद सबसे पहले गैस आपको क्या करना है, यहाँ पर गैस आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है। तो गैस ये रहा पेंसिल आइकन, सिंपल आपको ये पेंसिल आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर ब्रश को पहले आपको सिलेक्ट करना है। तो गैस आपको स्मूथ ब्रश की आपको ये ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसी ब्रश को सिलेक्ट करके आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। तो गैस ये रहा सेटिंग का ऑप्शन, सिंपल आपको ये सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको साइज को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो फ्लो को रखना है 4% के आसपास, तो यहाँ पर 4 ही रखता हूँ, और स्ट्रेंथ को रखना है आपको 7% के आसपास, तो 7 ही रखता हूँ। और अगर साइज को आपको बाद में यहाँ पर एडजस्टमेंट करना है तो मैं बाद में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको इस तरह से जूम करना है, जूम करके अभी गाइस आपको क्या करना है, आपको ये डॉट पर क्लिक करना है। तो गैस ये रहा डॉट का ऑप्शन, सिंपल आपको ये डॉट पर क्लिक करके इसी डॉट पर क्लिक करके आपको क्या करना है, ब्रश पर आपको इस तरह से होल्ड कर रखना है, और गैस आपको आगे पीछे इस तरह से करके आपको साइज को एडजस्टमेंट कर लेना है। तो आपकी फेस के अकॉर्डिंग आपको साइज को एडजस्टमेंट कर लेना है। तो साइज को यहाँ पर मैं 30 के आसपास ही रखता हूँ, और गैस इनटू करके आपको क्या करना है, अभी आपको स्मूथ करना चालू कर देना है। तो गैस स्मूथ की एक सीक्रेट बताऊंगा आपको क्या करना है, ऐसे आपको पिंपल पर आपको क्रॉस के निशान पर आपको स्मूथ बनाना है। तो ऐसे में क्या होगा, निशान भी मिट जाएगा और स्मूथ भी हो जाएगा। तो पहले आपको पिंपल पर आपको ऐसे क्रॉस करके आपको स्मूथ बना देना है, तो निशान को मिटा देना है। तो ऐसा ही करके फेस को पहले स्मूथ बना देना है। तो गैस यहाँ पर मैं जल्दी से स्मूथ बना देता हूँ। सो गैस यहाँ पर मैं स्मूथ बना चुकी हूँ, यहाँ पर गैस आप खुद ही देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पर स्मूथ हुआ है। लेकिन गैस अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गैस आपको लेयर पर क्लिक करना है। तो गैस ये रहा लेयर का ऑप्शन, सिंपल आपको लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर गैस आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है। तो गैस ये रहा प्लस आइकन, सिंपल आपको ये प्लस आइकन पर क्लिक करके एक लेयर बनाना है, और ये लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये नॉर्मल मोड पर क्लिक करना है। तो गैस यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये रहा नॉर्मल मोड, सिंपल आपको ये नॉर्मल मोड पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सॉफ्ट लाइट कर देना है। सॉफ्ट लाइट करके आपको इनटू कलर है, इनटू करके बैक चलना है, और गैस आपको कलर ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गैस ये है कलर का ऑप्शन, सिंपल आपको ये कलर ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर गैस आपको व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं व्हाइट कलर को सिलेक्ट करके यहाँ पर इनटू कर लेता हूँ। तो फिर से गैस आपको ब्रश पर क्लिक करना है, तो ब्रश पर क्लिक करके आपको लाइब्रेरी पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अलग से एक ब्रश को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल ब्रश को ढूंढना है। तो गैस आपको ट्रेडिशनल ब्रश की आपको ये सेकंड वाला ब्रश को सिलेक्ट लेना है। तो इसी ब्रश को सिलेक्ट करके यहाँ पर गैस आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर ओपेसिटी को रखना है आपको 100, और साइज को रखना है आपको 50 के आसपास। और गैस आपको इनटू करके आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जूम करके आपको ड्रॉ करना चालू कर लेना है। तो फेस के ऊपर आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। तो गैस यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पर फेस गोरा हो रहा है। तो ऐसा ही ड्रॉ करके पहले फेस को गोरा बना देना है। तो गैस यहाँ पर जल्दी से फेस को गोरा बना देता हूँ। तो गैस यहाँ पर फोटो को देख सकते हो बहुत ही ऑसम लग रहा है, फेस स्मूथ भी हो चुकी है और फेस गोरा भी हो चुकी है। तो ये ट्रिक को आपको जरूर अप्लाई करना है, आपकी फोटो पर फेस गोरा हो जाएगा और फेस स्मूथ भी हो जाएगा। सो गैस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चले गए, मिलते हैं अगले किस वीडियो में।